जय माता दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयो बच्चे ही होंगे, माता रानी सबका कल्याण करे। आप लोग, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो चलिए आपके लिए दसवीं और शरद पूर्णिमा आने वाला है, तो शरद पूर्णिमा स्पेशल चावल के खीर बिल्कुल इजी तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सारी तैयारी कर रही है, 10 मिनट में झटपट बन के तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो आप लोग हम मेरी रेसिपी को प्यार जरूर दीजिएगा, तो इसीलिए नई नई वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं। चावल देखिए बिल्कुल बारीक है, तो इस चावल को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको धुल के हम इसको सुखाएंगे। आज मैं बनाऊंगी चावल का शरद पूर्णिमा स्पेशल खीर। चलिए इसको देखते हैं, वीडियो पूरी देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। चलिए पहले इसको धुल लेते हैं, 2-3 पानी से अच्छे से पानी निचोड़ देंगे, फिर इसे सुखा देते हैं। चाहे पंखा में सुखा लीजिए, चाहे धूप में सुखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने अच्छे से धुल दिया है, 3 से 4 पानी अब अच्छे से बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसको मैं, आप नए चावल का भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है नए चावल का, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास पुराना चावल है, इसके भी टेस्टी बनेंगे। तो अब मैं इसको सुखा लेती हूँ, चाहे धूप में सुखा लीजिए, छाँव में सुखा लीजिए, जैसे भी सुखाना है अच्छे से सूख जाना चाहिए। आप देखिएगा, मैंने पहले भी खीर का वीडियो डाल रखी है, तो पुराना हो चुका है, आप जाके देखिएगा, वो भी नए तरीके से बनाई हूँ, तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा उस खीर को भी। तो चलिए सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चावल अच्छे से मरा सूख गया है, ज़्यादा धूप भी नहीं थी, हल्का सा, देखिए अभी हल्का हल्का धूप आ रहा है, इतना देर रोशनी पड़ रही है, ये हल्का धूप आ रहा है, तो मैं अच्छे से चावल सूख गया है, ज़्यादा सूखने में टाइम नहीं लगता, धुल के भी रख देंगे ना ऐसे फैला के, तब भी सूख जाएगा। हमने पंखा भी नहीं रखा, हल्का धूप में ऐसे अंदर ही किचन में रख दिया था। देखिए हरहर हो गया है। अब इसको मैं मिक्सर जार में, बहुत बारीक नहीं, बहुत मोटा नहीं, अच्छे से इसको मैं दरदरा पीस लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल रबड़ी खीर बन के तैयार होगी, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए मैंने मिक्सर जार में रख दिया है, अब इसको मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। देखिए बस 2 बार खाली घुमाई हूँ, इस तरीके के हमें चाहिए थे, 2 बार खाली घुमाई हूँ, 2 बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। देखिए दूध अच्छा से खोल रहा है, इसमें मैं 1 कटोरी से कम है, बड़े चम्मच से 2-3 चम्मच हमने लिया है, जो चावल हमने दरदरा पीसा था वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। आओ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे इसको पकने देंगे, धीरे धीरे, बहुत हमें हाई करके नहीं पकाना है, लो में पकाना है, अच्छे से चलाते हुए जब से पक रहा है। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मीठा नहीं डालना है, आपको जो मीठा पसंद है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं डालना है, इसे पकने देना है, चावल को धीरे धीरे पकना है। पहली बार मैं इसे चला दूंगी, नहीं नीचे लगे ना, और आराम से इसको पकने देंगे। तब से चलिए हम दूसरा गैस जला लेते हैं, इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, उसे भून लेते हैं। देखिए इसमें हम 1 चम्मच कढ़ाई में घी लिया है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, आप सिंपल भी आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन थोड़ा भून के डालने का स्वाद बिल्कुल लाजवाब होता है, तो आप ज़रूर भूनिएगा। देखिए मैंने पहले से ही 2 चम्मच गर्म दूध में केसर भिगो के रख दिए हैं, देखिए कलर कितना परफेक्ट आया है। तो अभी मैं चलती हूँ इसको भूनने के लिए। देखिए हमने इसमें बादाम लिया है, काजू लिया है, किशमिश लिया है और पिस्ता लिया है। तो पहले मैं बादाम भून लेती हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा हल्का हल्का, 2-2 मिनट हमें भूनना है बस। और 1 चम्मच के 5 से 6 इलायची हमने कूट के लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं लिया है, कूट के लिया है। बादाम डाल देती हूँ, 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसी में मैं डाल दूंगी काजू और इसी में किशमिश, हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, गैस हम बंद कर देंगे, इसी में डाल देंगे लास्ट में ये जो पिस्ता, इसको डाल के बस उतार लेंगे, हमें गरम ज़्यादा भूनना नहीं है, इतना गरम है, हो जाएगा इसी में।
देखिए खीर हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। आप मीठा अपने हिसाब से, अपने स्वाद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 चम्मच हमने 3 चम्मच चावल डाला है तो 2 चम्मच इसमें मीठा है तो थोड़ा मीठा भी अच्छा लगेगा। 2 चम्मच हमने चीनी डाल दिया है। देखिए कितना परफेक्ट आया है। आपको अपने हिसाब से जितना गाढ़ा बनाना है, जितना आपको पतला बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो इसमें चीनी मेल्ट होने देते हैं। तब तक खीर बनाने में आपका यदि सामान तैयार है तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें डालूंगी मैं थोड़े से, बचा लूँगी 1 चम्मच, बाकी इसमें डालूंगी केसर वाले दूध, थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। देखिए बिल्कुल कलर पिंक वाले हो गए केसर वाले खीर, शरद पूर्णिमा पर विशेष करके आपके लिए। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। गैस को कर देंगे बंद। बिल्कुल हमारा खीर बनके तैयार हो गया और इसको आप फ्रिज में रख के खाएंगे तो वाह क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं इसको, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, डाल को इसको ढक देंगे, नहीं खुशबू निकल जाएगा इसका। तो मैं देती हूँ कटोरी में, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको दिखाते हैं, देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। अभी ठंडा होके और गाढ़ा हो जाएगा। आपको जितना अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको टाइम भी बचेगा और बिल्कुल परफेक्ट खीर आवे। देखिए वीडियो पसंद आएगी मेरी तो लाइक भी करिएगा। चलिए पहले इसमें जो हमने केसर बचा के रखे हैं, केसर वाले दूध ये डाल देंगे ऊपर से थोड़े से। ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अभी अभी तुरंत उतर रहा है गैस पर से, थोड़ी देर बाद देखिएगा तो और आपका बिल्कुल गाढ़ा बनके परफेक्ट रबड़ी वाला खीर आपका तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।